भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बहुत छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है, ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे भाई भाई हो। बहू क्या हुआ तुझे, ये सुबह सुबह इतना गंगा जमना क्यों बहा रही है? माँ जी ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी, और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का, आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को, तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बिचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में एक मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंगट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूँ मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो कब आ रहे हो आप घर, मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुंगली कर रही है करम जली करमुही, जा जाकर घर का काम कर, पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतने दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो। माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। माँ इसको तो पता नहीं 15 लाख रुपए क्या होता है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अरे वो गरीब तेरे पैसों को कचरा समझती है, इसीलिए तो 15 लाख की रिंग घुमा दी। माँ आप बोलो तो उसको मार मार के उगलाता हूँ, वो रिंग कहाँ गई है? नहीं बेटा हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ उससे प्यार से पूछ बता देगी। दीक्षा सच सच बताओ वो रिंग कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता वो रिंग कहाँ है, मैंने कबर्ड में ही रखा था। दीक्षा अच्छे से याद करो तुमने वो रिंग कहाँ रखा है, क्या पता तुमने कहीं और रखा होगा। नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैंने कबर्ड में ही रखा था, मैं सच कह रही हूँ मेरा विश्वास करो। दीक्षा मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सोचो ना 15 लाख की रिंग है वो, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। मुझे उस 15 लाख से कोई लेना देना नहीं है, वो रिंग आपने लाई थी इसलिए मैंने उसे संभाल के रखा था, मुझे नहीं पता उसे किसने चुरा लिया, पर वो वहाँ नहीं है। दीक्षा आप तो मेरे परिवार पे इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम्हारे परिवार पर? बाहर तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ ने मुझ पे इल्जाम लगाया तब तो मैं दिखाई नहीं दिया। तुमसे ना बात करना बेकार है। आप लोगों को क्या लगता है वो रिंग किसने चुराई होगी? आगे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।